सो हाय फ्रेंड्स, दिस इज सेकिला एंड आज मैं आपके लिए वो वीडियो लेकर आया हूँ जिससे आप क्या कर सकते हैं, अपने इंटरनल स्टोरेज का सारा डेटा आप अपने एसडी कार्ड में डाल सकते हैं बिना फ़ोन को फॉर्मेट करें या कोई और तरीका अपनाएं। अगर आपके फ़ोन में भी इसी तरह के एरर्स आते हैं कि इनसफिशिएंट स्टोरेज या स्टोरेज ऑलमोस्ट फुल, तो आप क्या करते हैं, आप इंटरनल स्टोरेज का डेटा या तो डिलीट करने लग जाते हैं जो आपके फ़ोन की इंटरनल मेमोरी में है, या तो आप म्यूज़िक को, वीडियोस को, फ़ोटोज़ को वगैरह वगैरह को डिलीट करना शुरू कर देते हैं, या तो आप क्या करते हैं इंटरनल स्टोरेज का जो डेटा है वो कंप्यूटर में कनेक्ट करके अपने फ़ोन को उसमें पेस्ट करते रहते हैं इंटरनल स्टोरेज से कट करके, या एसएस फाइल मैनेजर या दूसरे तरह के जो आपके पास फाइल मैनेजर है उसके अंदर जाके आप कट कॉपी पेस्ट करते रहते हैं अपने एसडी कार्ड में। तो आपको अपना एसडी कार्ड बढ़ा लेना होता है। इसके बजाय आपको क्या करना चाहिए, आपको इंटरनल स्टोरेज का डेटा सारा एक तरीके से कॉपी करना चाहिए अपने एसडी कार्ड में। तो इसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा फाइल्स बाय गूगल। ये सबसे ईजी तरीका है करने का, वरना आप कंप्यूटर में लगे रहेंगे और आपका बहुत टाइम कंज्यूम होता रहेगा। तो फाइल्स बाय गूगल क्लीन अप स्पेस क्या करता है, आपकी जो सारे फोटोज़ वीडियोज़ है उनको एक कैटेगरी वाइज सॉर्ट कर देता है। तो जैसे आप देख सकते हैं मीम एक अलग से कैटेगरी बन चुकी है इस मीम की, कीप विद मीडिया और बहुत सारे तरीका का सेव हो जाता है कैटेगरी में। तो जब आप इस इंटरफेस को देखेंगे फाइल्स बाय गूगल में, तो आप सबसे नीचे जाना तो वहाँ जाके आपको दिखेगा मूव फाइल्स टू एसडी कार्ड। तो मूव फाइल टू एसडी कार्ड पर टैप करना, फिर इसके बाद ऑल फाइल्स पर टैप करना, जिससे जितना भी आपका सारा डेटा है, जैसे मेरे पास 6,957 फाइल्स है, तो ये सारी कॉपी होने लग जाएगी एसडी कार्ड में। तो एसडी कार्ड में जब ये कॉपी होगा, आपको लग रहा होगा कि वहाँ पे अलग फोल्डर बनेगा इंटरनल और एक्सटर्नल का, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर आपके इंटरनल स्टोरेज में DCIM के अंदर, कैमरा के अंदर जितनी भी फ़ोटोज़ हैं, वो सारी फ़ोटोज़ एसडी कार्ड के DCIM के अंदर, कैमरे के अंदर ही पेस्ट हो जाएगी। तो कोई दो दो डुअल फोल्डर नहीं दिखेंगे, ट्रायो भी नहीं दिखेंगे। बट कई बार ऐसा हो सकता है कि यूकैम का और जैसी छोटी मोटी ऐप्स हैं जिसको फाइल्स गो भी नहीं पहचान पा रही है, तो उसका अलग डेटा अलग फोल्डर बन जाएगा, और जैसे 1 नाम से 2 नाम से ऐसे बन जाएगा UCAM1 UCAM2। बट इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि पिक्सार्ट वगैरह जितनी भी एडिटिंग ऐप्स जो बहुत पॉपुलर है उनका सबका एक ही फोल्डर बना होगा। तो ये बहुत अच्छी ऐप है जिससे विद जस्ट ओनली वन क्लिक यू कैन मूव योर डेटा फ्रॉम इंटरनल स्टोरेज टू एक्सटर्नल स्टोरेज। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए होगे तो प्लीज़ लाइक करना, और अगर नहीं आए तो डिसलाइक करना। थैंक यू सो मच। I was so sure, oh.